ये मोनोब्लॉक मोटर पंप है और मैंने इसे यहाँ चालू किया है, पर ये पानी सक नहीं कर पा रहा है, खींच नहीं पा रहा है। यहाँ पे देखिए, अब बाल्टी में पानी जस का तस है, ये बिल्कुल ही सक नहीं कर रहा है, कोई मोमेंट नहीं है। तो अभी हम इसे खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या इशू है। तो इसके सक्शन वाले हिस्से को हम खोल लेते हैं। यहाँ पे दो नट लगा होता है और इसके अंदर ये एक पार्ट होता है, रबड़ का बना होता है। इसे NRV भी बोलते हैं, नॉन रिटर्निंग वाल्व। ये पानी को एक ही डायरेक्शन में जाने के लिए अलाउ करता है, वापस ये पानी नहीं आता। आप यहाँ पे देखिए, एक लकड़ी का टुकड़ा भी फंसा हुआ है। तो हमारे केस में तो यहाँ पे लकड़ी का टुकड़ा है, बाकी के केस में यहाँ पे कुछ कटा हो सकता है, कचड़ा हो सकता है। तो इसे हमें अच्छे से साफ़ करके और वापस देखना है कि क्या ये जैसे काम करना चाहिए। इसका स्प्रिंग, इसका आगे पीछे होना और पानी को लॉक करने का वाला जो ये टैपर का सेक्शन है, ये बिल्कुल सही है या टूट फूट गया है, सड़ गया है, ये हमें चेक करना है। ये बिल्कुल अगर सही से दिखे तो ये मतलब सही है, सही काम करेगा, ये बदलने की ज़रूरत नहीं है। वरना अगर ये टूटा हुआ है, कटा हुआ है, कॉर्नर इसका घिसा हुआ है, तो पानी को लॉक नहीं करेगा, और देख के हमें वापस लगा देना है। अब हम इसे लगा देते हैं और यहाँ पे जो लाल कलर का आपको की दिख रहा है, इसमें खोल के पानी भी एक बार भर लेना है लगाने के बाद। उसके बाद हमें चालू कर लेना है लगा के। उसके बाद हम अभी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या यह पानी खींचता है या नहीं। तो आप ध्यान से देखिए, मुझे तो लग रहा है ये पानी खींचेगा। और देखिए आप, ये पानी धीरे धीरे खींच रहा है। मतलब मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, तो स्टार्टिंग में इसे स्टार्ट होने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये देखिए, पानी खींचना शुरू कर दिया। और इसके अलावा यदि कभी क्या होता है कि देखिए ये पानी खींच चुका है बिल्कुल अच्छे से। और कभी कभी क्या होता है कि आपको इसे खोलने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसका जो जहाँ से हवा इसका निकाला जाता है, एयर, वो उसकी में आप पानी जहाँ पे इंस्टॉलेशन के समय भरा जाता है, उस पर भी भर के आप चेक कर सकते हैं, अगर यदि कभी पानी नहीं देता है तो। वरना इसे ऐसे खोल के आप इसमें देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। बहुत माइनर सा प्रॉब्लम।